तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हारे से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए तुम्हें बहुत ही सोचना पड़ेगा। और वो सवाल ये है कि मान लो तुम 4 साल बाद अपना बीटेक कंप्लीट करते हो। अपने बीटेक कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास इन 2 में से किसी एक जॉब में ज्वाइन करने का ऑप्शन है। पहली जॉब ऐसी है जहाँ पे तुम्हारे महीने की सिर्फ 30,000 की सैलरी है, तुम्हें रहने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, अच्छा खाना तो दूर की बात, तुम्हें मेस का खाना खाना पड़ता है, एक 1 BHK अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम एक PG में रहते हो, तुम एक बहुत ही बड़े भीड़ का हिस्सा हो और हर दिन इस रैट रेस में एक बड़े शहर में ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस जाते हो और एक रोबोट की तरह काम करते हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। या फिर तुम्हारे पास एक दूसरी जॉब की ऑप्शन है, उस जॉब में तुम महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, तुम्हारे पास वर्क प्रेशर तो है बट बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी है, तुम एक बड़े शहर में एक अच्छे से अपार्टमेंट में रहते हो क्योंकि तुम वो सब अफोर्ड कर सकती हो, तुम्हें मेस के खाने की चिंता की जरूरत ही नहीं है बिकॉज तुम्हारे ऑफिस में ही ढेर सारा फ्री का खाना मिलता है। इसके अलावा तुम्हारे ऑफिस में ही तुम्हारा जिम है, तुम्हारा डिनर लंच स्नैक्स सब कुछ अवेलेबल है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा लगेगा। तो बताओ ये बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब तुम्हारा क्या होगा, तुम पहले वाले कंपनी में काम करना पसंद करोगे या दूसरे वाले में? अगर तुम्हारा जवाब है दूसरा वाला, देन लेट मी टेल यू, तुम एकदम ही सही जगह पे हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अपने बीटेक के 4 साल में तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि 4 साल बाद जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो तो तुम मैंग जैसी कंपनीज में जॉब के लिए ज्वाइन कर सको। मैंग स्टैंड फॉर मेटा, एमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। ये 5 ऐसी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज में से मानी जाती है जहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर सकता है। और इसीलिए हम में से किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है कि अगर हमें इनमें से किसी भी एक कंपनी में जॉब करने का मौका मिलता है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाता हूँ द 4 ईयर रोड मैप जर्नी टू मैंग। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कॉलेज के 4 साल का हर ईयर का ब्रेक थ्रू जर्नी कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है और आखिरकार सबसे इम्पोर्टेंट 4th ईयर में कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तुम्हें क्या करना है जिसके थ्रू तुम्हें मैंग जैसी कंपनी में इजिली जॉब मिल जाए। मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है वो सारी बातें मैं तुम जैसे जूनियर से शेयर करना चाहता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट में जो भी डाउट्स हो तुम्हारे कॉलेज रिलेटेड, तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर रिलेटेड, उनको जरूर पूछना। आई प्रॉमिस कि मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तुम्हारे फर्स्ट ईयर की जर्नी से। सबसे पहले मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन एक क्लियर कर दूं। लोगों को लगता है कि अगर तुम्हें मैंग जैसी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज या फिर IIT या NIT जैसे कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक बहुत ही Tier 2 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट किया हूँ और आज मेरे ऐसे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं जो कि मैंग जैसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैं खुद ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे बड़ी कंपनी को ज्वाइन करके छोड़ दिया और आज खुद की स्टार्टअप चला रहे हैं और वो किसी IIT से नहीं बल्कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलोंग करते थे। So, मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर तुम मैंग ज्वाइन करना चाहते हो, तुम्हारा सबसे पहला स्टेप जो कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में होगा, वो है किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर करना। अब ये बात जरूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही फेमस हो। द आइडिया इज कि किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तुम्हें मास्टर करना है, बीट सी प्रोग्रामिंग, बीट C++ और बीट जावा। वेल, माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि जब तुम स्टार्ट करते हो, ईदर इट शुड बी सी और C++ फर्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले 6 महीने में तुम्हारे कोडिंग जर्नी का स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली अगर तुम छोटे शहर से आते हो वहां पर हमें कोडिंग नहीं सिखाया जाता है। हालांकि बड़े शहरों के स्कूल्स में ही कोडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं बट हमारे जैसे बच्चे जो कि एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं वहां पर कोडिंग्स को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसीलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस तुम्हें इतना करना है कि स्टार्टिंग के 6 महीने में, विच इज मोर देन इनफ, कि तुम्हें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर लो। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक हमेशा सेम होता है, चाहे तुम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर C++ या फिर जावा। अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है देन उसको सॉल्व करने का लॉजिक इन तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम होगा, इट्स जस्ट कि उनका सिंटैक्स बस तीनों में डिफरेंट हो जाएगा। तो आइडिया इज कि तुम्हें किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है ताकि तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो सके और इसी लॉजिक बिल्डिंग को हम लॉन्ग टर्म प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। जब तुम ऐसे बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए जाते हो वो ये नहीं देखते हैं कि तुम्हें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, वो ये देखते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि तुम्हें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा टारगेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं बल्कि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करना है। अब इसके बाद
सेकेंड हाफ में जो कि तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है DSA सीखना, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम थोड़ा सा एक लेवल अप पार्ट है, यहाँ पर तुम्हें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें शायद थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और यहाँ पे तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अब क्या करें, हमने टारगेट भी तो एक ऐसी ड्रीम कंपनी का रखा है जहां पर जाने के लिए हर साल लाखों लोग चाहते हैं, बट वहां पे सिर्फ कुछ गिने चुने ही पहुंच पाते हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अभी से ये वीडियो देख रहे हो और इसको अभी से ही अप्लाई करने वाले हो। DSA कंप्लीट होते ही तुम्हारा सबसे प्राइमरी फोकस होने वाला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी लैंग्वेज को कितना भी सीख लो बट अगर तुम उस लैंग्वेज पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किए हो देन तुम्हारा थियोरेटिकल लर्निंग किसी काम नहीं आने वाला है। इसीलिए ये बात को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और DSA को इनहेंस करोगे, अपने DSA स्किल्स पे काम करोगे तो तुम्हें कोई सा भी प्रोजेक्ट करना है ताकि तुम अपने इन लर्निंग्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सको। अगर तुम एज एन इंजीनियर अपने थ्योरेटिकल लर्निंग्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो तुम्हारी वो लर्निंग किसी काम की नहीं रहेगी, तुम एज एन इंजीनियर फेल कर जाओगे। सो डोंट फॉरगेट कि इन सभी चीजों को सीखने के बाद किस प्रोजेक्ट में इन्हें अप्लाई करना है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स गूगल पे इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लर्निंग डोंट फॉरगेट कि तुम्हें तुम्हारा CGPA बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है, यानी कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को। और अब इसी के साथ तुम्हारे फर्स्ट ईयर का प्लान खत्म हो चुका है, अब हम आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो कि सबसे प्रायोरिटी पे तुम्हें सीखना है वो है वेब डेवलपमेंट या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यानी कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट के आर्ट को मास्टर करना है। अब वेब डेवलपमेंट में आज ढेर सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है जैसे कि React JS, React Native, Angular JS एंड मैनी मोर। बट तुम्हें फोकस क्या करना है, तुम्हें फोकस करना है आज जो मार्केट में करेंटली ट्रेंडिंग है, और आज जो मार्केट में ट्रेंडिंग है वो है React, वो है MongoDB, वो है HTML CSS। तो बेसिक तुम्हारा स्टार्ट होगा HTML और CSS से, बट वो फ्रंट एंड में आगे बढ़ के जाएगा React JS, React Native तक। ऑफकोर्स ये सभी चीजें ड्राइव होती है JavaScript से, तो तुम्हें JavaScript भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि तुमने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस कर लिया है, तो आई प्रॉमिस कि तुम्हारे लिए ये वाला पार्ट बहुत ही इजी होगा। ना कि सिर्फ इजी होगा बल्कि सेकेंड ईयर ही वो पार्ट होगा जहां पे तुम्हें अपनी चीजों को करने में मजा आएगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि मैंने खुद भी अपने सेकेंड ईयर में करा था। ट्रस्ट मी, मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मुझे कोडिंग का कुछ भी नहीं आता था, बट जब से मैंने वेब डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट खुद से शुरू किया मेरे कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पर हमारा टारगेट यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट लेना नहीं रहेगा, हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि सेकेंड ईयर का हमारा सबसे बड़ा टारगेट और गोल ये है कि हमें सेकेंड ईयर में कैसे भी एक इंटर्नशिप लेनी है। अब वो इंटर्नशिप पेड हो या अनपेड हो इस बात पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे लर्निंग है। हम एक बहुत ही लंबे टारगेट की ओर कदम रख रहे हैं, हमें मैंग जैसी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो 10-15 हजार रुपए के लिए किसी भी इंटर्नशिप को छोड़ना मत, वो इंटर्नशिप अब फ्री हो या पेड हो, हमारा टारगेट यहाँ पर ये होना है कि किसी भी एक कंपनी को इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना है। मैं तुम्हारे से ये बात झूठ नहीं बोलूंगा कि किसी भी इंटर्नशिप को ज्वाइन करना बहुत ही ईजी होगा, बिकॉज मुझे पता है कि आज के टाइम पे इंटर्नशिप मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कंपटीशन है। बट मुझे ये भी पता है कि ज्वाइन करना इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं कि तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जितने ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ऑन एन इंटर्नशिप विल बी हायर। बट जस्ट इन केस अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल ही नहीं रही है, तुम इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ढेर सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहिए। उन कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे डेली बेसिस पे कोडिंग स्किल्स को इनहेंस करने की तुम्हें एग्जाम्स देना चाहिए। वहां पे ऐसे ढेर सारे लाइव प्रॉब्लम्स डेली अपडेट होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अपना कोडिंग स्कोर बढ़ाना चाहिए, और इस तरीके से तब तक सॉल्व करते रहना चाहिए जब तक तुम एक परफेक्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर लेते हो। और ये था तुम्हारा सेकेंड ईयर का रोड मैप। अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो फोर्थ ईयर तक तो देख ही जाना, बिकॉज अगर तुम थर्ड और फोर्थ ईयर को नहीं देखते हो देन फर्स्ट और सेकंड ईयर को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें ये बता दूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों का चारों स्टेप और ये चारों का चारों साल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इनमें से कोई भी तुम एक स्किप नहीं कर सकते हो या फिर किसी भी एक पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके कैजुअली नहीं ले सकते हो। इसी के साथ अब तुम आ चुके हो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल तुम्हारा प्ले करने वाला है वो है लिंक्डइन। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लिंक्डइन सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम किसी भी एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ना कि सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो देन लिंक्डइन ही वो चीज होने वाला है जो कि सबसे ज्यादा तुम्हारा हेल्प करने वाला है।
तो थर्ड ईयर में आकर तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है कि तुम अब लिंक्डइन अपनी एक्टिवेट करोगे। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाकर अपने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करना स्टार्ट करोगे। जितने भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट तुम अब तक बनाए हो उन सभी प्रोजेक्ट्स को अपलोड करोगे और अपने ढेर सारे कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन तुम्हारे बैंक के इंप्लॉइज से, वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के डेवलपर से होने चाहिए ताकि तुम्हारे कॉन्टेंट को और तुम्हारे वर्क को वो देख सके और उनके नजर में तुम आ सको। अगर उन 100 में से किसी एक के भी नजर में तुम आ जाते हो देन तुम्हारा बैंक जाने का रास्ता यहीं से खुल जाता है। इवन इफ यू आर एबल टू गेट opportunity of doing an internship in the Mang, then it is a very big win-win for you. क्योंकि Mang जैसे कंपनी अगर तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है और तुम अपने इंटर्नशिप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हो देन वो इजिली तुम्हें PPO यानी कि वो तुम्हें इजिली प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि इंटर्नशिप के खत्म होते ही या फिर तुम्हारे कॉलेज के खत्म होते ही तुम्हें वो एक जॉब ऑफर कर देंगे। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होगा जितना आसानी सिर्फ सुनने में लग रहा है, क्योंकि सिर्फ लिंक्डइन और प्रोजेक्ट डाल देने से ही इंटर्नशिप या Mang में जॉब मिल जाता तो आज सभी लोग कर रहे होते। और इसीलिए ढेर सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट लिंक्डइन पर डालने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट बिग स्टेप होने वाला है, तुम एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट उठाओगे। तुम एक सेल्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा प्रोजेक्ट उठाओगे, उस पे काम करना शुरू करोगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने गिटहब, अपने लाइब्रेरीज और अपने लिंक्डइन पे अपडेट करते रहोगे ताकि तुम्हारा वर्क हमेशा नोटिस होता रहे। और अपार्ट फ्रॉम इट कभी मत भूलना कि तुम्हें तुम्हारा एकेडमिक्स भी मेंटेन करना है। अगर तुम Mang जैसे कंपनी से इंटरव्यू के लिए जाते हो वहां पर तुम अगर ये बताते हो कि तुम्हारे एकेडमिक का कोर सब्जेक्ट का नॉलेज तुम्हें है ही नहीं, तुम्हें सिर्फ कोडिंग की नॉलेज है, देन वो भी एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ है। सो कोडिंग के साथ साथ तुम्हें अपने थर्ड ईयर में आके अपने कोर सब्जेक्ट के नॉलेज को भी इनहेंस करना है। इस पूरे जर्नी में ये कभी नहीं भूलना है कि तुम्हें तुम्हारा सेमेस्टर का मार्क्स यानी कि तुम्हें GPA तुम्हें मेंटेन करके रखना है। और तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बाय एनी चांस अगर तुम्हें Mang जैसे कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर नहीं मिलता है देन एटलीस्ट किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तुम्हें इंटर्नशिप ले ही लेना है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट हो, निविडिया हो, या आज मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और अगर मान लेते हैं तुम Mang जैसे कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक नहीं कर पाते हो अपने थर्ड ईयर में, ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब यह मत समझना तुम अब Mang में जॉब कर ही नहीं पाओगे। भाई इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी तो सीट्स बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, लाखों में से शायद सिर्फ एक को मिल पाता है। और अगर तुम्हें नहीं मिल पाता है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें जॉब ही नहीं मिल पाएगा। तुम्हारा टारगेट यह होना चाहिए कि तुम्हें Mang में ही इंटर्नशिप मिले। बट अगर Mang में नहीं मिल पाती है उसके अलावा आज ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं जिनमें तुम्हें इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना है, जैसे कि IBM, PayPal, HP, Flipkart और ना जाने ऐसे कितने सारे कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड है। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगर तुम Mang की इंटर्नशिप नहीं क्रैक कर पाते हो किसी भी तरीके से किसी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर ले ही लो। मीनवाइल थर्ड ईयर का एक और अहम हिस्सा है और वह यह है कि तुम्हें इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल हैकाथॉन में पार्ट लेना है। तुम उसे जीतो या ना जीतो वो तो सेकेंडरी बात है, पर तुम्हें हमेशा ऐसे हैकाथॉन में पार्ट लेना है। बिकॉज ऐसे हैकाथॉन में पार्ट लेने से तुम ढेर सारे अलग अलग माइंड से इंटरेक्ट करते हो, तुम्हें समझ में आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की डिमांड क्या है, तुम्हारा IQ लेवल बहुत ही बढ़ता है और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगेन इनहेंस होता है। और यही वो चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा टर्न ऑन होती है Mang जैसी कंपनीज के लिए। और इसी के साथ तुम अपना थर्ड ईयर को भी कंप्लीट करते हो। फोर्थ ईयर फाइनली तुम्हारे कॉलेज का आखिरी साल, 3 साल इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली तुम अपने आखिरी साल में आ चुके हो जहाँ पर तुमने अब तक जो भी किया सब कुछ का आउटकम आने वाला है। और इसीलिए मार्केट में जाने के पहले सबसे पहला स्टेप जो कि तुम्हें यहाँ पे इम्प्रूव करना है वो है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल और एक बहुत ही अच्छा रिज्यूमे। इन 3 चीजों को एकदम ही लाइटली नहीं लेना है बिकॉज यही वो चीजें हैं जो कि तुम्हारे इंटरव्यू क्रैक करवाने में हेल्प करेगी। आज हमारे मार्केट में ढेर सारे ब्रिलियंट माइंड्स अवेलेबल है बट अगर तुम्हें उनसे स्टैंड आउट करना है अपने कोडिंग स्किल के साथ साथ तुम्हें इन चीजों को भी इनहेंस करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का पहला स्टेप होता है वो है तुम्हारा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तुम्हें फोर्थ ईयर में आने के बाद अपने स्टार्टिंग के 2 महीने एप्टीट्यूड और रीजनिंग को बेस्ट देना है ताकि तुम अपने किसी भी कॉर्पोरेट एग्जाम का पहला लेवल क्लियर कर सको। जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो तुम्हारा पहला लेवल ऑफ एग्जाम होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे ही, तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे भी अच्छे से काम करना है। बट इसकी तैयारी करने की जरूरत फर्स्ट ईयर से नहीं है, सिर्फ फोर्थ ईयर का पहला 2 महीना ही इनफ होता है। बिकॉज कॉर्पोरेट्स में इतना डिफिकल्ट लेवल का भी एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं पूछा जाता है बट पूछा जाता है। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है वो है अपने प्लेसमेंट पे फोकस करना। माना कि तुम्हारा टारगेट शुरू से रहा है कि तुम्हें Mang ज्वाइन करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम Mang को ही ज्वाइन करोगे, अगर तुम्हें Mang नहीं मिलता है तो कुछ नहीं ज्वाइन करोगे। Mang का सिलेक्शन प्रोसेस एक बहुत ही लंबा होता है, तुम्हारे माइंड में अगर ये हमेशा प्रेशर रहेगा कि अगर मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मैं जॉबलेस रह जाऊंगा, देन इस बात से तुम्हारे रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कैसे भी तुम अपने कैंपस या फिर ऑफ कैंपस से एक जॉब ले लो। एंड आई एम श्योर अब तक मैं जो भी चीजें बताई देन इजिली तुम्हें कोई ना कोई ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। पर हमारा टारगेट हमेशा से Mang को क्लियर करने का था, किसी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर किसी भी ऑन कैंपस कंपनी में जॉब ले लेना है।
और अब हम अपना सारा दिमाग लगाएंगे बैंक को क्लियर करने में। बैंक को क्लियर करने के लिए तुम्हें अपने लिंक्डइन को बहुत ज्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा। वहां पर ढेर सारे बैंक के हायरिंग मैनेजर से कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा और रेगुलरली उनके कॉन्टैक्ट में रहकर उनको अपने रेज्यूम में अपने बारे में बताना रहेगा कि देखो मैंने इन सब प्रोजेक्ट्स पर काम किया और मैं हाईली इंटरेस्टेड हूं आपके प्रोफाइल में। और अगर उनके प्रोफाइल में ओपनिंग आती है देन अगर तुमने अपने स्टार्टिंग के 4 साल की उन सभी टेक्निकल स्किल्स पर काम किया है देन आई एम श्योर कि तुम बैंक को क्लियर कर लोगे। बैंक ऐसी कंपनी में जॉब करना आज हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना होता है। अगर तुम इनमें जॉब करने चले जाते हो देन यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। बट जस्ट इन केस अगर तुम इतना कुछ करने के बाद भी अपने पहली कंपनी मैंग में ज्वाइन नहीं कर पाते हो देन डोंट वरी, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी भी अच्छे कंपनी और अच्छे सैलरी में जाकर जॉब ज्वाइन करो और मैंग की अपॉर्चुनिटीज हमेशा बीच बीच में ओपन होती रहती है। माना कि मैंग का बहुत ज्यादा हाइप है मार्केट में बट मैंग के अलावा भी ढेर सारी कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एमडॉक्स, सेल्सफोर्स, सर्विस नाउ। इन सभी कंपनीज का भी वर्क एनवायरमेंट बहुत ही अमेजिंग होता है और वो भी बहुत ही अच्छी पैकेज ऑफर करती है। सो आई एम श्योर कि अगर तुम मैंग क्लियर नहीं भी कर पाते हो और इन स्टेप्स को फॉलो करते हो देन मैंग के इन सभी कंपनीज में से किसी ना किसी एक कंपनी में जॉब क्लियर ही कर लोगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि 4 साल बाद जब तुम अपनी बीटेक कंप्लीट करोगे तो अपने आप को किस सिटीसी में देखना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन सी सिटीसी अचीव कर लोगे और तुम्हारी ड्रीम कंपनी क्या है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे और भी वीडियोस को चेकआउट जरूर करना बिकॉज आई एम श्योर अगर तुम एक इंजीनियर हो या फिर एक बनने वाले इंजीनियर हो वो तुम्हारा हेल्प जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।